जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र सत्यनगर अलका पेट्रोल पंप के सामने वाली गली निवासी शिवम पाठक सुभाष पाठक ने शाम को अपने मकान के दरवाजे बंद कर घर में आग लगा ली। जब मकान से धुआं निकलता देखा तो पड़ोसियों ने परिवार वालों को फोन किया। वहीं मौके पर उसके पिता सुभाष पहुंचे, जिन्होंने सूचना डायल नंबर 100 को दी। वहीं डायल 100 ने मौके पर आकर जब दरवाजा नहीं खुला तो कांस्टेबल दिगंबर ने छत के रास्ते पे चढ़कर दरवाजा खोला और युवक शिवम को बाहर निकाला। वहीं आग को पूरी तरह लगने से पहले बुझाया युवक के पिता सुभाष पाठक ने। उनके लड़का नशे का आदी है। वहीं चार बेटों में तीसरे नंबर पर है। बताया जा रहा है कि जड़कन की कड़ी लगाकर 300 रुपए रोजाना कमाता है, जिससे वह नशे का आदी हो, जिससे उसकी हरकत से उसके पिता और पड़ोस के लोग काफी परेशान रहते थे। यही कारण है कि पुलिस को बुलाना पड़ता था। फिलहाल पुलिस ने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। क्या नाम है सर आपका? विश्वनाथ पाठक है सर। पाठक जी, ये तोड़फोड़ और जो आग लगी है और पुलिस आई है, आपके घर पर क्यों आई है, वजह क्या है? ये सर हमारे लड़के की वजह से आई। लड़का हमारा नशा पत्ता करता है और नशे का आदी हो चुका है। ये सब मतलब जो घर में तोड़फोड़ करना, मोहल्ला पड़ोस को परेशान करना, हमको भी परेशान करना, और हो सकता किसी पे ऊपर से छत पे ईंटें भी फेंकने लगता है कभी कभी। पुलिस क्यों आई थी अभी? पुलिस सर हमारी मजबूरी थी, हम अकेले यार साहब कुछ कर नहीं सके, इसलिए मैंने पुलिस को की सहायता ली है। मैंने पुलिस ने मेरा दरवाज़ा खुलवाया और पुलिस ने जाके ऊपर जाके उसको अरेस्ट किया है। पुलिस कैसे चढ़ी जब उसने गेट नहीं खोला तो? सर मतलब जो है कैसे भी कैसे अपनी व्यवस्था बना के दीवार से चढ़ी है। अब वो कहाँ है? सर लड़के को लेके अभी तो। कितने लड़के हैं आपके? चार लड़के हैं सर। अच्छा, तीन लड़के हमारे बहुत सही है। ये सबसे छोटा है? ये तीसरे नंबर का है। क्या नाम है इसका? शिवम पाठक नाम है सर। करता क्या है ये? ये जर्किन के कड़े लगाता है सेट पे जाके, वहाँ 300 रुपए का कार्यक्रम का सारा, नशे की आदत पड़ गई है, काम भी नहीं करता है, नशा के लिए घर से पैसे हरकत पैसे चाहिए। अभी कहाँ है वो? अभी तो गए ले गई पुलिस, पुलिस थाना ले गई। जी सर। क्या सूचना मिली थी, किस सूचना पे आए थे आप? हम लोगों को सूचना मिली हुई कि एक व्यक्ति आग ला के मर रहा है, चार दशक से मकान बंद कर रखा है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, आग ला रखी है घर में और चार दस मकान बंद कर रखा है। इस सूचना पे हम तत्काल आए, चार दस दरवाजे बंद थे, पब्लिक भयभीत थी। हमारे किसी प्रकार से छत पे हमने अपने दिगंबर को किसी माध्यम से ऊपर चढ़ाया, साथ में जो कांस्टेबल हैं चढ़ाया, किसी दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा तो ऊपर से दरवाजे में प्रवेश करके जब उसको कब्जे में किया, आग को बुझाया, कब्जे में करके जब थाना पुलिस के हवाले किया उसे। बीबार इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। यह मामला है ग्राम सभा बराही का, जहां कोटेदार अपनी मनमानी करते हुए लोगों को कैरोसिन तथा राशन न देकर गाली गलौज करता है, साथ ही लाभार्थियों को हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार कच्ची शराब का काला कारोबार भी करता है, जिसमें वह सप्लाई इंस्पेक्टर संग मिलकर पैसे का बंदर बांट कर दुरुपयोग कर रहा है। ग्रामवासी परेशान होकर डीएम से शिकायत करते हुए कहा कि वह अगर हमें कैरोसिन नहीं देता तो हमें गाली गलौज भी न दे। वहीं कोटेदार का नाम दिग्विजय बताया जा रहा है, जो कि नटपुरवा बराही तहसील संडीला का रहने वाला है। अब देखना यह है कि जनता को न्याय मिलता है या कानून अंधा है या कहावत सच होती है। दादा क्या नाम है आपका? महमूदुल हसन। महमूदुल हसन जी। कहाँ रहते हो? बराही। बराही में। अच्छा, और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? नजमुल हसन। नजमुल हसन। हसन, क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत है सर, राशन हमको नहीं देता है जी। बच्चों को भेजते हैं, हम बुजुर्ग आदमी बिठा के ले जाते हैं, अंगूठा कहीं नहीं आता है, सब घुमा देता है जी। कहीं कहता जाओ कि ले, उल्टा सीधा लेओगे कुछ तब जाओगे जी। गाली देता है, मतलब धौसियावत है, गाली बनाए में कभी। अच्छा, धौसियावत खूब है, धौसियावत है। हाँ। धौसियावत का हो गाली ही हुई। हाँ, कहीं जाओ ने लेओ बवाल बनाए का, मतलब खूब उल्टी सीधी कहा, धमकी देता है। हाँ। अच्छा अच्छा, कहा ज्यादा करे तो बच्चे ने हरजनी लगवा दे, भागे भागे घूमने लगी, हरजनी लगवा देंगे। हाँ। अच्छा, हरजनी की धमकी देता है। हाँ। और राशन नहीं देता है? राशन नहीं देते। अच्छा अच्छा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आरके सिंह की रिपोर्ट, हरदोई। चूरू जिले के तारानगर में 15 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी ने दुष्कर्म की इस वारदात को कार में अंजाम दिया है। वारदात के बाद कार का एक्सीडेंट हो गया, इस हादसे में दोनों घायल हो गई। वहीं पीड़ित बालिका की मां की रिपोर्ट पर तारानगर थाने में आईपीसी की धारा 366 ए, 376 289 337 450 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में मामला दर्ज हुआ है। वहीं बुधवार को पीड़िता को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से जाँच कराई गई। आरोप है
है कि 10 फरवरी को तारानगर के वार्ड संख्या 9 के यश अग्रवाल ने बालिका को कार में अगवा किया और सड़क के किनारे कार में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस दौरान लोगों के पीछा करने का शक होने पर आरोपी ने कार को तेज गति से भगाया जिससे कार असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तारानगर और फिर चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में एडमिट कराया गया। वही पीड़िता की हालत गंभीर होने के कारण उसे जयपुर के SMS अस्पताल में रेफर कर दिया गया। करीब 30 दिनों के इलाज के बाद मंगलवार की देर रात तारानगर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पूंछड़ी का लौटा जो राजस्थान का क्षेत्र है उसमें कुछ अतिक्रमण है, कुछ पुराने कब्जे हैं, तो उनका सेटलमेंट करने के हिसाब से NGT के ऑर्डर के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि रोड वहाँ भी चौड़ा हो जाए। तो उसके लिए आज हमने सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ मीटिंग की थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि वो लोग तैयार हैं कि सौंदर्यीकरण के नाम पर, परिक्रमा मार्ग के विस्तार के नाम पर जो भी कुछ उनसे बन सकेगा वो करने को तैयार हैं। इस संबंध में हमने आज ADM साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी लोग, इन लोगों के साथ मीटिंग की हमने और हमें खुशी है कि इसका एमिकेबली हम जल्दी ही कोई ना कोई सेटलमेंट कर देंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संजय जैन की रिपोर्ट, चूरू, राजस्थान। कपिल क्षेत्र के गांव सिवारा खास निवासी युवक का खेत में सरसों की मड़ाई करते समय सिवारा खास निवासी श्याम सुंदर का हाथ थ्रेसर में सरसों का गट्ठर लगाते समय पट्टे में फंसकर अंदर चला गया, जिसे चालक ने चीख पुकार सुनकर ट्रैक्टर को बंद किया। वहीं ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ को बाहर निकाला। साथ ही आनंद फानंद ने घायल को परिजन एक निजी अस्पताल कपिल में ले गए, जहाँ घायल की हालत को देखते हुए निजी चिकित्सक ने इलाज करने से मना कर दिया। उसके बाद खेत मालिक घायल बटाईदार श्याम सुंदर को CSC कायमगंज ले गए, जहाँ घायल को CSC से कायमगंज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फरुखाबाद रेफर कर दिया, जहां पर घायल युवक श्याम सुंदर को भर्ती कर लिया गया और घायल का इलाज जारी है। संजीव, ये जिसकी चोट लगी है आपको? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, हाँ, हमारा सजेत। कैसे चोट लगती है हाथ में? सरसों खानते टाइम पे मशीन में। किससे खनाई हो रही थी? कटर से। फिर उसके बाद हाथ चला गया, उसके बाद क्या किया? एकदम हमने भाग के रोका, जाके बैक किया एकदम। ट्रैक्टर में जो कटर होती है नहीं चलने वाली थ्रेसर की तरह, वो वापस किया एकदम, तब वापस खींचे। शाम सुंदर। पिताजी का नाम? हरीश। रहने वाले का? सवार। नाम? चौकी सवार। हाथ आपका कट गया? कैसे चोट कैसे लग गई, क्या हुआ? कट गया मशीन से, सरसों खांद रहे। सरसों खांद रहे। क्या कर रहे थे? सरसों खांद रहे थे। किससे खंदाई कर रहे थे? कटर से। खंदाई करते थे हाथ से? हाँ। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विनय यादव की रिपोर्ट, फरुखाबाद।